हेलो स्टूडेंट, आई एम अद्भुत प्रकाश द्विवेदी। बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से हमें चाहिए, जो डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी आपको अलग से PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपके पास जो भी बुक है आप उससे भी याद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के कई वीडियो आएंगे। इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके कॉन्सेप्ट आपको आते हैं बट आप एक बहुत ही स्लिप मिस्टेक करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और इसमें जो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन डिस्कस होंगे ये आपके डिफेंस के कोई भी एग्जाम हो या स्टेट लेवल इंजीनियरिंग के एग्जाम हो या अदर भी कोई एग्जाम हो जिनमें क्वेश्चन का यूज हो सकता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ बच्चों और बता दें कि इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जैसे देखेंगे उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा पहले उसे डिस्कस करेंगे फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट हम स्टेप वाइज ना करके क्वेश्चन वाइज ले रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है कि डेरिवेटिव आपको बताना है लॉग टेन टू द बेस एक्स। अब जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपके सामने एक दिक्कत आ गई। वो दिक्कत क्या है, क्योंकि आपको जो डिफरेंशिएशन पता होता है बच्चों वो पता होता है लॉग एक्स टू द बेस ए का। किसका डेरिवेटिव पता होता है, लॉग एक्स टू द बेस ए, जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होगी वन अपान एक्स लॉग ए टू द बेस ई। क्या सही लिख रहे हैं बच्चों, गलत है। क्या होगा यहां पर, नाग ए टू द बेस ए। तो यहां पर आपके पास बेस में क्या आया, वेरिएबल आया। तो बच्चों कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है या ऐसे और भी क्वेश्चन जैसे हम एग्जांपल में देख रहे हैं, आप उसे प्रैक्टिस में सॉल्व करिएगा। नाग साइन एक्स टू द बेस एक्स, इसका डेरिवेटिव बताना। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन टू द बेस एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए। हमने एक क्वेश्चन लिया और बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन साफ ना हो तो आप कमेंट में बताइए फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इन क्वेश्चन के लिए लॉगरिथमिक की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए टू द बेस बी इक्वल लॉग ए टू द बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग बी टू द बेस सी, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो देखें ध्यान से। तो बच्चों जो क्वेश्चन अपने को गिवन था हमने उसको वाई डेट कर दिया लॉग 10 टू द बेस एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों लॉग 10 टू द बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग एक्स टू द बेस ई। अब जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। डेरिवेटिव आप करेंगे केवल इसका। अब चेन रूल यूज करके आप देखें तो इसको हम वन अपान एक्स लेट कर लेंगे लॉग 10 टू द बेस ई, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों कैसे, आप देख लें स्टेप बाइज, इसकी पावर माइनस वन डी ओवर डी एक्स। इस साइड देखें, प्रॉपर्टी आपने नोट करनी होगी लॉग 10 टू द बेस ई इंटू माइनस वन आगे आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि पावर में एक और कम होगा तो वो हो जाएगा माइनस टू, जब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमने इस वजह से किया क्योंकि ऑप्शन में वो नीचे आ रहे हैं। इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई, तो फाइनल आंसर बच्चों जो बनेगा माइनस लॉग 10 टू द बेस ई डिवाइडेड बाई log x टू द बेस e का होल स्क्वायर, और log x टू द बेस e का डेरिवेटिव होता है 1 अपान x, तो 1 डिवाइडेड बाई x। तो बच्चों देखें इस टाइप का जो ऑप्शन मैच हो रहा है वो बच्चों कौन सा, और अपने पास d ऑप्शन, तो फाइनल आंसर आएगा d। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो क्वेश्चन हमने आपको दिया आप उसे सॉल्व करें, फिर कमेंट बॉक्स में उसका मैसेज रिप्लाई करें। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हम लोग जो जानते हैं वो डेरिवेटिव किसका जानते हैं, साइन एक्स का। और आपको पता होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में साइन एक्स नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, एक्स डिग्री। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिग्री को बनाइए रेडियन में। और ये आपको पता होना चाहिए कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अब अगर आप चेन रूल लगाएं तो ये हो जाएगा कॉस एक्स पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स पाई डिवाइडेड बाई 180। फिर से बच्चा हम लोग इसको किस में चेंज कर देते हैं, डिग्री में। और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 180। तो इस टाइप से जो सही आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप कर भी लें। क्वेश्चन में दिया यू इक्वल टू 3t⁴ माइनस 5t⁴ माइनस 28। क्वेश्चन में केवल du ओवर dt की वैल्यू पूछी गई है और किस पर 8t⁵। तो क्वेश्चन केवल हमने इस वजह से लिया कि t की वैल्यू जब कुछ गिवन हो तो वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन du ओवर dt। अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। फंक्शन भी किसके रिस्पेक्ट में दिया, टी के रिस्पेक्ट में। तो जैसे आप एक्स की पावर एन का करते हैं, ये आपको पता होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। हम उसी टाइप से अप्लाई करें तो 3 डेरिवेटिव ऑफ टी की पावर 4 माइनस 5 डेरिवेटिव ऑफ टी की पावर 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 28। तो बच्चों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। यहां पर देखें तो आपको मिलेगा 12 टी की पावर 3 15 टी की पावर 2। जब आप t इक्वल 1 रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12 माइनस 15 बराबर माइनस 3। तो इस टाइप से जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों d ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। और आपसे पूछा जा रहा है dy ओवर dx। तो पहली चीज तो बच्चों आप लोग ये समझ, एक ऐसे इक्वेशन के टाइप से जो क्वेश्चन गिवन होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन, जिसमें वाई अलग लिखा होता है और एक्स एकदम अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लीसिट फंक्शन। तो इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब क्या है कि जिसमें एक्स और वाई कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखे हो। डिफरेंशिएशन जब आपको करना तो आप बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कितना आसान बच्चों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। लेकिन बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है क्योंकि वहां पर x होता है, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आता है। बट अब क्योंकि यहां पर y है तो इनटू में आपको y का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अगर आप देखें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो y dy ओवर dx इक्वल माइनस x। फाइनल यहां पर dy ओवर dx की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो माइनस x डिवाइडेड बाई y, यानी कि करेक्ट आंसर इज द b, माइनस x डिवाइडेड बाई y। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास, व्हाट इज द डेरिवेटिव कोफिशिएंट ऑफ 10x। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
व्हाट इज द डेरिवेटिव कोफिशिएंट ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x, यानी कि वो तुमसे पूछ रहा है डेरिवेटिव ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x। बचपन से लेकर आज तक आपने पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ
यू वी डब्ल्यू टी दिया है। तो आप जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे तो पहले आप यू का करेंगे, जब आप यू का करते होंगे उस टाइम पर आप बाकी तीन फंक्शन को वैसा ही रखेंगे। आफ्टर दैट बाई यूजिंग प्लस साइन आप यू को छोड़ दीजिए और किसका कर दीजिए, वी का। जब आप वी का करेंगे तो U वैसा रहेगा W और T, देन प्लस U वैसा ही रहेगा, V वैसा रहेगा, अब किसका होगा W का, T वैसा ही रहेगा, उसके बाद प्लस U V W और अब किसका कर देंगे बच्चों, T का। यानी कि आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जब एक फंक्शन का करेंगे तो बाकी तीन फंक्शन वैसे ही लिखेंगे। ऐसे अगर n फंक्शन भी लिखे होते तो आप क्या करते, फर्स्ट का करते तो n माइनस वन फंक्शन वैसे ही रखते, फिर सेकेंड का करते तो रिमेनिंग n माइनस वन फंक्शन वैसे ही रखते। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला आप अपने पास कहीं नोट कर लें, और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या था बच्चों, क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल कास एक्स कास टू एक्स कास फोर एक्स और कास एट एक्स, और वैल्यू आपको बतानी थी एफ डेस पाई बाई फोर की। अब देखो बच्चों, ऐसा नहीं कि हम चार डिफरेंशिएशन चार बार करें। पहली चीज तो आप ये समझिए, आपके पास यहां दिया है कास टू एक्स, क्या दिया बच्चों, कास टू एक्स, और ये चीज आपको पता है कि cos 2x अगर प्रेजेंट होगा, वो cos 2x कब कब प्रेजेंट होगा वो हम बता रहे हैं, आप समझिए, जब आप फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तीन को वैसा रखेंगे तो cos 2x होगा, जब आप थर्ड का डेरिवेटिव करेंगे बाकी तीन वैसे रखेंगे तब भी cos 2x वैसा ही होगा, जब आप फोर्थ का करेंगे बाकी तीन वैसे ही रखेंगे तब भी cos 2x वैसा ही होगा, जब आप cos 2x का करेंगे तब cos 2x ना होकर क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन 2x। तो यानी कि अगर हमने इसका डेरिवेटिव किया, हमने इसका डेरिवेटिव किया, तो इन तीन टर्म्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, जीरो, क्योंकि cos में जब x की जगह आप पाई बाई फोर रखेंगे यहां 2x में, तो 2 यहां पर हम लिख देते हैं cos 2x एट x इक्वल टू पाई बाई फोर, तो ये बच्चों बनेगा cos 2 पाई बाई फोर, यानी कि cos पाई बाई टू जिसकी वैल्यू होती है जीरो। यानी कि आप अगर इसको छोड़कर बाकी किसी का भी डेरिवेटिव किया तो वैल्यू जाएगी जीरो। तो यानी कि जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो केवल आएगा जब cos x को ऐसा ही रखें, इसका डिफरेंशिएशन माइनस टू साइन टू एक्स, और कास फोर एक्स को ऐसा ही रखें और कास एट एक्स को भी इसी टाइप से रखें, क्योंकि तब तो आपको रिजल्ट मिलेगा, बाकी टर्म्स में रिजल्ट जीरो आएगा, तो उन टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक्स कितना रखना है बच्चों, पाई बाई फोर, तो कास पाई बाई फोर माइनस टू साइन पाई बाई टू हो जाएगा बच्चों, यहां यहां हो जाएगा कास पाई और यहां हो जाएगा कास टू पाई। तो इस टाइप से आपके पास ये आएगा वन अपान रूट टू माइनस टू माइनस वन एंड वन, टू अपान रूट टू, सिंप्लीफाई करने पर रूट टू। तो इस टाइप से आंसर जो आया बच्चों वो क्या आया, सी ऑप्शन, वन रूट टू। बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे आप कहीं पर अपने पास अच्छे से नोट करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आप उसे ध्यान से समझिए पहले। क्वेश्चन है अपने पास एफ एक्स इक्वल x डिवाइड की पावर a x टू दी पावर b की होल पावर a प्लस b।
इनटू में लिखा है एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी की होल पावर बी प्लस सी इनटू में एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए की होल पावर सी प्लस ए। बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर ए माइनस बी की होल पावर ए प्लस बी। आपको पता है जब एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी होता है पावर ऊपर जाती है तो पावर आपस में क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सेम चीज इसमें देखें तो एक्स टू द पावर बी माइनस सी की होल पावर बी प्लस सी और एक्स टू द पावर सी माइनस ए की होल पावर सी प्लस ए। यहां पर आपको मिलेगा x टू द पावर पावर आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी एक्स टू द पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी एक्स टू द पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम बेस पर जब पावर अलग अलग होती है और प्रोडक्ट में हो तो पावर आपस में हो जाती है एड यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर एक्स टू दी पावर जीरो किसी की पावर जीरो तो उसकी वैल्यू होगी वन यानी कि जो आपको इतना लंबा फंक्शन दिया हुआ था उसकी वैल्यू केवन और केवन कितनी है वन। और जब आप कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आता है बच्चों कितना जीरो। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा जीरो। तो बच्चों ये रहे डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन जिसके कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक पता होंगे लेकिन आप स्लिप मिस्टेक करके क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक आपने देखा इसी टाइप से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि वो भी इन वीडियो को देखकर अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन की कुछ और भी ट्रिक देखेंगे। आपके जो सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहें। वीडियो के बीच में हमने आपको जो दो तीन क्वेश्चन दिए उसे आप सॉल्व करें क्या आंसर आता है वो आप कमेंट में रिप्लाई करें जो आंसर सही होगा फिर हम आपके साथ उसे शेयर करेंगे। थैंक यू बच्चों।